हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस में स्वागत करता हूँ। साथियों, आज है संडे यानी कि रविवार, और प्रत्येक रविवार की तरह इस रविवार को भी मैं लेकर उपस्थित हूँ वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स। आज हम 6 से लेकर 12 जुलाई 2020 तक के वीकली करंट अफेयर्स की बात करेंगे, यानी कि मंडे टू संडे तक का वीकली करंट अफेयर्स। साथियों, शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड 19 और पर्यटन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास निकाय UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने कौन सा वित्तीय संस्थान सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS में शामिल हुआ है? तो एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF का प्रबंधन करता है? तो एडल वाइज म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, धर्म चक्र परिवर्तन किस धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है? बौद्ध धर्म का, और इस बार कब मनाया गया था? ये 4 जुलाई 2020 को। भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुआ जिसका नाम है एलिमेंट्स। कौन फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने? जीन कास्टेक्स। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है? फेसबुक से। किस राज्य की सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? ओडिशा की सरकार ने, यानी कि नवीन पटनायक सरकार ने। नेक्स्ट, कौन कॉमन सर्विस सेंटर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है? जोया खान। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को ATK एवं मोहन बागान के विलय से बनी इंडियन सुपर लीग की टीम के किस सदस्य के रूप में नामित किया गया? निदेशक के रूप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं फेसबुक ने मिलकर छात्रों के लिए किन ऑनलाइन कोर्स को शुरू किया है? तो ऑनलाइन डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन स्वास्थ्य तथा ऑगमेंटेड रियलिटी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वरिष्ठ IAS अधिकारी DP गुप्ता को। नेक्स्ट है, किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी को। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 21 मेट्रो प्रोजेक्ट को चीन की कंपनी को दिया गया टेंडर खारिज कर दिया है, कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट को। किसने ऑस्ट्रेलिया फॉर्मूला 1 रेस का खिताब जीता है? तो वोल्टेरी बोटास ने, जो कि फरारी के चालक है, ड्राइवर है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रामेश्वर शर्मा को। और मध्य प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। किन दो भारतीय अमेरिकियों को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का पुरस्कार दिया गया है? सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? श्रावणी मेले पर। कौन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के पहले चेयरमैन बने? इंजेती श्रीनिवास। किस बैंक ने लोन देने के लिए लोन इन सेकेंड सेवा लॉन्च किया? यस बैंक ने। कुछ दिन पहले यह बैंक डूब गया था। नेक्स्ट, कौन सा राज्य हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा संगठन संस्कृत साप्ताहिकी नामक संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? ऑल इंडिया रेडियो। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन धनवंतरी रथ शुरू किया? गुजरात ने। और ये शुरू किया है अहमदाबाद नगर निगम ने। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा विकसित की जाने वाली संभावित कोविड 19 वैक्सीन का क्या नाम होगा? कोवैक्सीन। नेक्स्ट, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में इट्स बिटवीन यू नाम से एक नया अभियान शुरू किया है? व्हाट्सएप ने। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 का विषय क्या है? जलवायु कार्रवाई के लिए सहकारिता। चीन के द्वारा हांगकांग में लागू किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की वजह से किस कंपनी ने हांगकांग से अपना कारोबार समेटने का निर्णय लिया है? तो बाइट डांस कंपनी के स्वामित्व वाली टिकटॉक ने। टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया है, 59 ऐप बैन किए हैं। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को कब तक परीक्षा कराने की अनुमति प्रदान की है? सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह तक। आयकर विभाग ने कोरोना के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? 31 मार्च 2021 तक। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण राज्य के युवाओं को देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? 75%। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी 12,000,00,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस मशहूर हॉलीवुड अभिनेता का कोरोना वायरस के कारण 41 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? निक कार्डरे को। ब्रिटेन के 103 वर्षीय व्यक्ति ने 14,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, उनका नाम क्या? अल ब्लास चके। नेक्स्ट, क्रिकेट साउथ अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कार 2020 में क्विंटन
डिकॉक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मैन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर से। किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन से सीधे बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? भारत ने, यानी कि भारतीय रेलवे ने। किस देश ने कला संस्कृति और विरासत उद्योगों के लिए समर्पित 1.57 बिलियन पाउंड का बचाव पैकेज लॉन्च किया? यूनाइटेड किंगडम ने। किस देश ने ओपेक 16 नामक एक नया सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया? इजराइल ने। नेक्स्ट, किस संस्थान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ एक अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने। किस देश ने एक्सपैट कोटा बिल पारित किया है जो लगभग 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? कुवैत। किस राज्य की सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ये नामक एक ऐप लॉन्च किया है? सेल्फ स्कैन जो ऐप है ये कैम स्कैनर की जगह यूज किया जाता है। तो कौन सी सरकार है? पश्चिम बंगाल, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार ने। कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए सीईओ बने? जयंत कृष्णा। नेक्स्ट, किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट्स बैंक ने। कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? आकाश गणेशन जी, आकाश। विश्व चॉकलेट दिवस वर्ल्ड चॉकलेट डे हर वर्ष मनाया जाता है 7 जुलाई को। कोरोना संकट के कारण CBSE बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम में कटौती करने का निर्णय लिया है? 30%। नेक्स्ट, दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितने रुपए देने का समझौता किया? 3,030 करोड़ रुपए। भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है? बहादुर सिंह को। CPL के लिए त्रिनबागो नाइट राइडर्स टीम ने किस 48 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया? प्रवीण तांबे को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस समिट को संबोधित किया? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को। अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से। भारतीय सेना ने जवानों को फेसबुक टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? निवासी ऐप और केंद्र सरकार ने 59 ऐप। UAE में प्रस्तावित सितंबर में खेले जाने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है? एशिया कप को। नेक्स्ट, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? जगदीप। इनको फिल्म शोले से जाना जाता है सुरमा भोपाली के नाम से। उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुसार किस तिथि के बाद भी के वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा? 31 मार्च 2020 के बाद से। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस नाम के इंटरफेस पॉइंट लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तुरंत तो सुविधा केंद्र TSKS। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तिब्बत में विदेशियों की पहुंच रोकने के कारण किन अधिकारियों को वीजा प्रतिबंधित लगाने की घोषणा की है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधिकारियों पर। खेल मंत्रालय ने किसको अपने पद से इस्तीफा देने को कहा है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में किस अधिनियम के तहत लाभार्थियों को चावल गेहूं प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट है, 15,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से किस सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा? कर्मचारी भविष्य निधि योजना में। किस संगठन ने आपसी डेटा विनिमय के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए किस ट्रेड के एसोसिएशन ने न्यू जर्सी में एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है? NASSCOM ने। BCCI ने अपने CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया, उनका नाम क्या? राहुल जौहरी। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसका लोकार्पण किया है? तो मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का। किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने। किस देश की राष्ट्रपति जिनाइन अनेज कोरोना वायरस संक्रमित हो गई है? बेली विया। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दिया? नेपाल ने। नेक्स्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? रील्स, जो कि टिकटॉक की जगह है। टिकटॉक। किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग गठन किया है? गुजरात राज्य सरकार ने। किस संगठन ने अनुमान लगाया है कि अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी? तो विश्व मौसम संगठन ने। नेक्स्ट, 15 जुलाई को होने वाले भारत और यूरोपीय संघ के बीच आभासी शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस भारतीय कंपनी ने अपने नए ईंधन खुदरा और गतिशीलता उद्यम
को शुरू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम स्थित तेल कंपनी बीपी के साथ समझौता किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। कौन व्यक्ति हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने, तो ज्ञानेंद्र निगम बाम। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में चीनी सामान का इस्तेमाल न करने की घोषणा किया, उत्तराखंड सरकार ने। गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है, गूगल करंट। किस राज्य की सरकार ने बुनकर समुदाय के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू किया, कर्नाटक की सरकार ने। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला, 34वां स्थान। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश ने किस पुलिस थाने को भारत के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है, नादौन पुलिस थाने को, जो कि हमीरपुर जिले में स्थित है। सिंगापुर की किस पार्टी ने 93 में से 83 सीटों पर जीत दर्ज करके दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुई है, पीपुल्स एक्शन पार्टी पाप। अमेरिका ने किस एयरलाइन पर पायलटों के संदिग्ध लाइसेंस का हवाला देते हुए 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी किसको पीछे छोड़कर दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, वॉरेन बफे। पंजाब नेशनल बैंक ने किन माध्यमों से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है, बॉन्ड एंड इक्विटी के माध्यम से। कन्नड़ के प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या, सुशील गोड़ा। किस राज्य ने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर्सी और अभियान शुरू किया, राजस्थान ने। नेक्स्ट, और आज का अंतिम क्वेश्चन यानी कि इस वीक का अंतिम क्वेश्चन है, इस वर्ष सितंबर में होने वाला एशिया कप को अब जून 2021 में किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई, श्रीलंका में। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था इस वीक का करंट अफेयर्स GK यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर्स। साथियों मेरे, वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो अच्छा जरूर लगेगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल UV कंपटीशंस को डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, राजस्थान GK फॉर RS एग्जाम के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते एक नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल UV कंपटीशंस पर। और साथ ही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट यह है कि इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।